खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। गुना जिले की कृषि विज्ञान केंद्र आरून के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस के दनीलिया ने बताया कि अगर किसान भाई खेतों में जैविक खाद जैसे केचुआ खाद, हरी खाद, नाडेप खाद, कंपोस्ट खाद, गोबर खाद आदि का प्रयोग करते हैं तो अधिक उत्पादन के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, फसल लागत में कमी, मृदा का स्वास्थ्य लंबे समय तक ठीक रहना, भूमि को भुरभुरी बनाए रखना, जल धारण क्षमता को बढ़ाना एवं जैविक उत्पादन प्राप्त कर विभिन्न बीमारियों से निजात पाना ही जैविक खाद प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जैविक खादों में फसलों को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने वाले 12 से 14 मुख्य पोषक तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं जो कि फसल उत्पादन में अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। केचुआ खाद कृषि विज्ञान केंद्र पर उपलब्ध है जिसकी कम से कम मूल्य 7 रुपए किलो है, जिसकी मात्रा 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। मिट्टी परीक्षण उपरांत इस मात्रा को कम या अधिक किया जा सकता है। जैविक खादों के प्रयोग से लागत को कम कर अधिक उत्पादन लिया जा रहा है। इसका जो हम जैविक खेती की बात करते हैं जी, कि जैविक खेती करें, हमारी गवर्नमेंट भी सरकार भी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जी जैविक खेती अपनाएं। तो जैविक खेती में हम जिससे क्या है, ये जैविक खाद है जी। जैविक खाद में आपका केंचुआ खाद, हरी खाद, नाडेप खाद, कंपोस्ट खाद, जो खादें हैं जो जैविक उत्पाद से बनी हुई हैं, तो उसमें क्या है, ये केंचुआ खाद एक ऐसी उत्पादन इकाई है जिसमें हमारे किसान भाइयों को, हमारी फसलों को जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, 17 पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता होती है अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए सभी फसलों को, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें 10 से 12 पोषक तत्व अवेलेबल उपलब्ध होते हैं। इसकी सर रेट क्या है सर, अपने विभागीय रेट? हमारे यहाँ से कृषि विज्ञान जैसे यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय निर्धारित करते हैं, तो विश्वविद्यालय ने हमारे यहाँ 7 रुपए के हिसाब से किया हुआ है, लेकिन हमने जो कमेटी बनाई है 7 रुपए के हिसाब से हमारे यहाँ जो कॉस्ट आती है इसकी, उसको हम देखते हुए थोड़ा सा उसका कमेटी बना के हमने एक समिति बनाई, उसके आधार पे हमने 10 रुपए उसको किया गया है। गुना से मनोज लाल अहिरवार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।